असम राइफल में तैनात जवान की मौत के बाद गांव में छाया मातम, परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले का एक जवान देश की रक्षा करने के दौरान अपनी जान गंवा दिया है। पूरी खबर आपको बताते चलें कि सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकटिया पंचायत के चक महमदा गांव के मोहम्मद शहीद अली असम राइफल में दिमापुर में पोस्टिंग थे। कल देर दोपहर परिजनों की को जानकारी मिली कि मोहम्मद शहीद अली की मौत हो गई है। जैसे ही मौत की जानकारी मिली, परिजन सहित पूरे गांव में मातम छा गया। मोहम्मद शहीद अली के पिता खुश मोहम्मद, माता मदीना बेगम, पत्नी जरीना परवीन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मोहम्मद शहीद का दो पुत्री है। मोहम्मद शहीद अली अपने माता पिता के एक लौते पुत्र थे। बताया यह भी जा रहा है कि मोहम्मद शहीद की पत्नी प्रेग्नेंट भी थी। वहीं एक एवन न्यूज के टीम के द्वारा असम राइफल के वरीय अधिकारियों से बातचीत किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ड्यूटी के क्रम में ही मोहम्मद शहीद की मौत हुई है। आज देर शाम तक पटना एयरपोर्ट पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद पटना एयरपोर्ट से दानापुर आर्मी कैंट जाएगा, जहां सलामी देने के बाद कल सुबह तक पार्थिव शरीर शहीद के गांव पहुंचेगा। गांव वालों ने बताया कि अंतिम यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। गांव में तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। कल जैसे अंतिम यात्रा शहीद जवान की निकलेगी, उसकी भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार शहीद जवान के घर पर लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं परिजन। के क्षेत्र में एक असम राइफल में जवान थे, वो शहीद हो गए हैं, क्या जानकारी मिली हुई है घटना को लेकर? कल एक वेक जानकारी मिला, 12:30 बजे करीब में जानकारी मिला कि शहीद जो असम रहते थे उनका डेथ हो गया। बहुत अचंभित हो गए हम लोग, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। बस जानकारी मिला है, बस केवल जानकारी मिला है कि मौत हुआ है, और मौत का वो पुष्टि नहीं हुआ कि मौत किस तरीके से हुआ है, इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ कि मुठभेड़ में मारे गए हैं कि क्या हुआ है। वैसे मणिपुर में भी तो वो चल रहा है कि हमेशा लड़ाई होते रहता है, लेकिन सर अभी तक वहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट से कुछ वो नहीं मिला है कि किस तरीके से मौत हुआ है। अच्छा, बॉडी कब तक आने की शंका है, कुछ बातचीत हुआ है? बॉडी आज लगभग 7 बजे तो बोला गया है कि आज पटना में आएगा, लेकिन सुबह यहाँ पे 4-5 बजे के लिए बोला गया है। 11 बजे करीब फोन आया जी कि डेथ हो गया। अब कैसे हुआ ये हम लोग को पता नहीं है जी। हाँ, कब गए थे यहाँ से ड्यूटी में, फिर आए थे तो वो करीब करीब 1.5 महीना हो गया गए हुए। अच्छा, असम राइफल में थे? हाँ, मतलब जानकारी आया कि बस उनकी डेथ हो गई है। हाँ, इतना जानकारी है। अब तो कैसे डेथ हुई है, गोली लगा है कि कैसे मुठभेड़ में हुआ है कि अपने मौत से मरे, ये हम लोग को पता नहीं है। बस जानकारी हुआ है कि मौत हो गई। हाँ, मौत हो गया। जानकारी कब मिला, कल मिला है? कल 12 बजे करीब करीब। अच्छा, बॉडी कब तक आएगा, आपको जानकारी मिला है बॉडी कब तक आएगा? बॉडी तो बोल रहे हैं कि 4 बजे भोर तक आएगा। कल मतलब आएगा, कल वो कल भोर में।